Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 7, Understanding Advertising. And in the previous class, we have started this chapter by completing the introductory portion, what do you mean by advertising, and by completing one topic, which is building brands and brand values. In this class, we are going to start brand values and social values. किस तरीके से ये जो ब्रांड बन चुके हैं इतने फेमस प्रोडक्ट के उनकी सोशल वैल्यूज क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। जितनी भी चीजें इसके अंदर इंसर्ट की गई हैं, सबसे पहले ये इन्फॉर्म कर देते हैं, किसी का भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा कि वो ब्रांड अच्छा है या वो ब्रांड बुरा है, या फिर किसी का हम लोग इंसल्ट या निग्लेक्शन नहीं कर रहे हैं कि वो ब्रांड बुरा है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही चीज एक्सप्लेन की जा रही है। चलिए, सो एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, टुडे हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट हो गए हैं। हम लोग उन्हें देखते हैं टीवी में, हम लोग उन्हें फाइंड कर सकते हैं मैगजीन्स के अंदर, पेजेस के अंदर, न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो आप, मार्केट्स में देख सकते हो, स्ट्रीट में देख सकते हो, रोड्स पर देख सकते हो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट आजकल देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख कर रख दिया, हम लोग उन्हें डिस्कस भी करते हैं, डिस्कस देम, जज करते हैं लोगों को, उनके स्टेटस सिंबल को जज करते हैं कि वो कौन से ब्रांड को, प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं। मतलब अगर वो अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज में लेगा तो उसका स्टेटस सिंबल हाई है, और जो नहीं ले रहा है उसका स्टेटस सिंबल लो है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रांड के हिसाब से लोगों को कैटेगराइज कर दिया। एडवर्टाइजमेंट हैव बिकम अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस इन लाइफ, और एडवर्टाइजमेंट की वजह से, इन ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये हमारी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ब्रांडेड फ्लावर, जैसे जो ब्रांडेड आटा है जिसका नाम है शक्ति भोग और आशीर्वाद, ये कॉस्टलियर है। कॉस्टलियर कैसे है, जो कि खुले में मिलता है ना आटा, पॉलिथिन में बंधा हुआ, तोला जाता है, फिर उसके बाद आपको बांध के दे दिया जाता है, उनसे ज्यादा महंगे, बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जो आपको आशीर्वाद और यहाँ पर शक्ति भोग का आटा मिलता है वो एकदम कवर्ड मिलता है, प्लास्टिक की पॉलिथिन में एक तरीके से सील करके दिया जाता है। लूज जो आटा मिलता है, ऊपर लिखा है फ्लावर सोल्ड लूज, खुला हुआ पॉलिथिन लगाई उन्होंने वेटिंग मशीन पे और वेइंग मशीन पे, उसके बाद आटा रख दिया, 1 किलो 2 किलो जितना लेके जाना है। और शक्ति भोग और आशीर्वाद के जो कट्टे होते हैं वो आते हैं 5 kg का हो गया, 10 kg का हो गया, इस तरीके से। क्योंकि इनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, महंगी इसलिए नहीं क्योंकि इनकी कॉस्ट इसलिए महंगी बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, क्योंकि हम लोगों ने इसे पैकेज एकदम पैकेट की तरह बांध दिया और इनकी एडवर्टाइजिंग हम लोग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो इस वजह से वो महंगे। और वहीं पर जो खुले में मिल रहे हैं वो उसकी पैकेजिंग होती नहीं है, और उसको कौन ही एडवर्टाइजमेंट करेगा इस तरीके से। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम, बहुत सारे लोग आशीर्वाद शक्ति भोग आटा नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जिन इन प्रोडक्ट का एडवर्टाइज होता है, जिस वजह से पैकेजिंग वैल्यू इसकी बढ़ गई, पैकेजिंग वैल्यू है, एडवर्टाइजमेंट हुआ तो इसकी प्राइसेस बढ़ गए, तो हर इंसान नहीं खरीद पाता है इस तरीके के ब्रांडेड वैल्यूज को। अब हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जब गेस्ट हमारे घर पे आते हैं मोस्ट लाइकली वो इम्प्रेस होते हैं तब जब डिशेस बनाई जाती है ब्रांडेड आइटम से। कोई लोकल हम लोग खोने खरीद लिया तो हम समझते हैं कि गेस्ट के सामने इंसल्ट हो जाएगी, तो ब्रांडेड जो आइटम्स होते हैं, बिस्किट्स हो गए और अगर नमकीन हो गई या कोई चॉकलेट हम प्रेफर कर रहे हैं तो ब्रांडेड उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या हो गया, वही साख वाली जो बात होती है वो यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट में, पीपल आर इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस ओनली पैकेज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर गुड एंड हेल्दी। जो चीजें बंधी हुई है, जो चीजें अंदर है, सामान अंदर है, पैकेजिंग अच्छी है, क्लियर है, ब्रांडेड उसकी वैल्यू है, तो हमें लगता है वो हेल्दी भी है और हमारी सेहत के लिए अच्छी भी है। नो सुपरवाइजर दैट नेबरहुड फ्लोर मिल्स, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो बगल में जो आटा मिल थी वो इतने ज़्यादा आशीर्वाद और शक्ति भोग के आटे की प्राइसेस हाई होने की वजह से वो बंद हो गई और लोग इन दो ब्रांडेड चीज़ों को तो खरीद रहे हैं और बाकी जो फ्लोर मिल्स का जो आटा था वो तो एक तरीके से बंद हो जाता है। तो यहाँ लिखा है नो सुपरवाइजर, सॉरी नो सरप्राइज, यहाँ पे आएगा नो सरप्राइज, हमें कोई सरप्राइज या कोई मतलब नहीं है, नो सरप्राइज दैट नेबरहुड फ्लोर शट डाउन, वो बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉस आफ्टर पैकेज फ्लोर हिट द मार्केट। तो वही शक्ति भोग और आशीर्वाद आटे की वजह से आपके लोकल मिल्स जो है वो बंद हो जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब आगे देखे देखते हैं, वी फाइंड दैट Sorry for this. We find that in case of advertisement,
रिलेटेड टू बेबी प्रोडक्ट्स। अब ये जो बेबी प्रोडक्ट वाला डायग्राम है वो ऊपर है, उससे रिलेट करके देखिए हम देखेंगे जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं पर्सनली रिलेशन बना लेते हैं, जैसे एक रिश्ता जैसा बना लेते हैं, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं हमारे। इमोशन इज यूज्ड टू ग्रेटर इफेक्ट ऑन मदर, शोन रबिंग हर बेबी, हर रबिंग हर चाइल्ड, बच्चे को सहलाते हुए दिखाई जाती है विद द बेबी। जॉनसन एंड जॉनसन ऑयल से वो उसे एक तरीके से ऑयलिंग कर रही है उनकी। तो क्या हुआ, शावरिंग लव, अपना प्यार एक तरीके से उमड़ रहा है उनके ऊपर, हिज और हर, मतलब हिम और हर, लड़का या फिर लड़की किसी पर भी। सिमिलर इन केस बेबी जॉनसन सोप या बेबी जॉनसन पाउडर, तो दोनों में हम लोग ये देखते हैं कि एड दिखाया जाता है कि माँ कितना प्यार करती है अपने बेबी से। अब ये एडवर्टाइजमेंट हर एक मदर को क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट टेल मदर दैट उनका लव और उनका केयर तभी दिखेगा उनके बच्चे की तरफ जब वो इन ब्रांड्स को खरीदेगी। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट टेल मदर, वो बताते हैं एक माँ को, दिखाते हैं, शो करते हैं इस तरीके से दैट देयर लव एंड केयर इज बेस्ट शोन। आप तभी बेस्ट दिखा सकते हो यूजिंग अफोर्सेड ब्रांड ऑफ देयर बेबी प्रोडक्ट्स। आप जब तक बेबी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे ना, आप अपना प्यार नहीं दिखा पाओगे। तो जो इमोशनली अटैक होता है ना एक दिल पर, वो करते हैं या फिर एक माँ के दिल पर अटैक करते हैं और फिर वो एक तरीके से प्रेशराइज होके उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेती हैं और इनकी ब्रांडिंग की एक तरीके से प्रॉफिट हो जाता है इन ब्रांड्स का। नाउ बाय एंड बाय मदर वॉच एडवर्टाइज, जैसे जैसे वो एडवर्टाइजमेंट देखती है फील करती है कि यूजिंग ब्रांड, जब मैं इस ब्रांड को यूज करूंगी हाउ मच, तभी मैं दिखा पाऊंगी कि हाउ मच लव देयर चिल्ड्रेन इन द वे ऑफ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट यूजेज द लव ऑफ मदर फॉर देयर चाइल्ड टू सेल एक्सपेंसिवली बेबी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप अगर अपने बच्चे से प्यार करती हैं तो आप इन बेबी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी, अगर आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करती हैं तो आप इनको नहीं प्रोडक्ट यूज करेंगी। एक ना दिमाग और दिल दोनों पे हमला करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट बहुत सारा शोबाजी दिखा के। ना जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो फील करेंगी कि क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती और वो अपने बच्चे को बेस्ट नहीं दे पा रही है। ये है एक अटैक एक मदर के ऊपर, जिस वजह ऐसा नहीं फिजिकली अटैक, क्योंकि इमोशनल अटैक हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगाई गई किस तरह से क्यूटली बहुत अच्छे से एडवर्टाइज बनाया जाता है और हमारे हम पर अटैक किया जाता है, हमारे इमोशंस पर अटैक किया जाता है ताकि हम इसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। नाउ लास्ट पॉइंट, लिंकिंग मदर लिंक सॉरी लिंकिंग अ इमोशन पर्सनल इमोशन, हमारे अंदरूनी जो इमोशंस हैं टू प्रोडक्ट, हम लिंक कर पाते हैं टू एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फ्लुएंस वे सॉरी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट हमें, इन विच वी वैल्यू अवर सेल्स, अवर सेल्स आएगा यहाँ पर, वी वैल्यू अवर सेल्स एज अ पर्सन। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से लिंक किया अपने आप को, जोड़ लिया, पर्सनल इमोशंस जोड़ लिए उस प्रोडक्ट से, उसके एडवर्टाइजमेंट को देख के हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्रिकेटर्स, ये एक मेजर पॉइंट है। क्रिकेटर्स फिल्म स्टार्स जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइज वेरियस प्रोडक्ट का ये करते हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट अस टू बाय देम। देखिए कोई भी क्रिकेटर है वो ऑयल का कर रहा है, सोप का कर रहा है, क्रीम का कर रहा है, हेयर ऑयल, हेयर जेल, जो भी बहुत सारे करते हैं। अब हम उन्हें देख के क्या हो जाते हैं, टेम्पटेड हो जाते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास हो, हम उसे खरीदने के लिए ललायत हो जाते हैं। हुम वी कंसिडर, क्योंकि हम उन्हें अपना हीरो मान रहे हैं, हम उन्हें अपना आइडियल मान रहे हैं, और जो प्रोडक्ट मेरे आइडियल खरीदेंगे, जो प्रोडक्ट मेरे आइडियल उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो मेरा खरीदना तो लाजमी है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट को कंसिडर करने लग जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बाथिंग सोप, जैसे बाथिंग सोप का नाम ले लो, शैम्पू का नाम ले लो, या फिर आप यहाँ पर बात कर लो ऑयल की, बात कर लो फेस क्रीम की, बात कर लो, ये सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं आपकी फिल्म हीरोइंस हो गए, मॉडल्स हो गए, कंसिडर करते हैं कि ये ब्यूटी और स्मार्टनेस का स्टैंडर्ड तय करते हैं। अगर आप इन्हें नहीं लगाएंगे तो आपकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, मतलब टैनिंग या फिर गोरा करने वाली जो क्रीम्स आती है ना, उनके हम लोग यहाँ पर नाम ले रहे हैं। तो किसी एक ब्रांड के हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, हम सभी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, सभी एक्टर एक्ट्रेसेस जो इनके एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट करती है। अब जो गर्ल्स होती है, वुमेन होती है, बहुत जल्दी पड़ जाती है उनको इस प्रोडक्ट को बाय करने की, वो समझती हैं कि अगर ये इन्हें लगा लेंगी तो बुरी हो जाएंगी या फिर जो भी चेंजेस उनमें उनके अंदर आ जाएंगे, बिकमिंग ब्यूटिफुल, वो स्टार्स की तरह ब्यूटिफुल हो जाएंगी। बट एडवर्टाइजमेंट शो अस द लाइव्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, ये क्या बता रहा है, अपर क्लासेस
कि जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, क्योंकि वो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। वो हार्डली शो करते हैं आम आदमी की जो जिंदगी है ना, उसको नहीं दिखाएंगे। वो दिखाएंगे एक ने क्रीम लगाई 200 रुपए की या 500 रुपए की और वो गोरा हो गया। हर इंसान थोड़ी 200 रुपए की या 500 रुपए की क्रीम खरीद सकता है। सो हार्डली शो द ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आम आदमी की जिंदगी पर कोई फोकस नहीं होता है इनका। एट द अट्रैक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग बिकॉज ऑफ लेस डिजायर टू इमिटेट दैट सीम सुपीरियर टू अस। हमें जो अपने से सुपीरियर लगता है उसी से हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वही ब्रांड हम लोग खरीदने के लिए फोर्सफुल हो जाते हैं। ना एडवर्टाइज इन्फ्लुएंस करते हैं जो हम सोचते हैं। हम हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ बैठते हुए खाते हुए जो भी इन्फ्लुएंस व्हाट वी थिंक अबाउट अवरसेल्फ्स, हमारे बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव फैमिली के बारे में। पर्सन यूजिंग एक्सपेंसिव ब्रांड प्रोडक्ट इज हाई एस्टीम एज इट शो हायर मोनिटरी इनकम। एडवर्टाइजमेंट प्ले बिग रोल इन लाइफ इन्फ्लुएंस बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। जिसने जितना ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड खरीदा उसकी उतनी ज़्यादा अ काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब वो उतना ज़्यादा अमीर। कोई गुच्ची का बैग खरीद रहा है, प्राडा का खरीद रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। कोई नॉर्मल बैग, लोकल बैग खरीद रहे हैं, भले ही गुची का बैग इतना है कोई फायदेमंद नहीं है, बट अगर नॉर्मल बैग इतना बड़ा साइज में यूजफुल है कोई इज्जत नहीं है। हम ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा आजकल रिस्पेक्ट देने लग गए हैं कि वही सर्वे सर्वा हो गया है। तो इस पॉइंट से हम लोग ये समझते हैं कि ब्रांड वैल्यूज ने हमारे सोशल वैल्यूज को कितना ज़्यादा चेंज कर दिया। ब्रांड यूज नहीं करते हो तो रिस्पेक्ट कम, ब्रांड यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। आप बहुत ज़्यादा अमीर शो करते हो, हायर मॉनेटरी इनकम दिखाता है, आप बहुत कमाते हैं इसलिए तो एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं। ये है हमारे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से, जिनकी तरफ से हम लोगों ने ये देखा। सबसे पहले तो ब्रांड और ब्रांड वैल्यू क्या होते हैं, उसके बाद ब्रांड वैल्यूज किस तरीके से सोशल वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ एन एडवर्टाइजमेंट इज मेड, कैसे बनाया जाता है, कैसे वो हम सभी को इन्फ्लुएंस कर पाता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So I hope you all have understood what we have done in this class. If you have any problem, then you can ask. So that's it for today's class. Thank you.